हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भगवान सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल BS ऑनलाइन मेडिसिन में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी टेबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो किसी भी प्रकार की खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगी। दोस्तों, इस टेबलेट का नाम है जैफ टेबलेट। दोस्तों, अगर आपको इस टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बीच में स्किप मत करें। दोस्तों, अगर इस टेबलेट के कंपोजिशन की बात करें यानी इसके अंदर क्या क्या साल्ट डाला होता है, तो दोस्तों इसके अंदर सल्बुटामोल 2 mg, ब्रोमैक्सिन HCl 4 mg और क्लोरफेनिरामाइन मालेट 2 mg की मात्रा में इस टेबलेट के अंदर डाला होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी 10 गोली की कीमत है ₹4.50, जो कि बहुत ही सस्ती टेबलेट है और यह हर मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में यानी यह किन किन समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इस टेबलेट के ऊपर भी लिखा होता है एंटी कफ टेबलेट यानी कि खांसी की टेबलेट है। दोस्तों, अगर किसी को सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, तो यह टेबलेट बहुत ही लाभदायक टेबलेट है। दोस्तों, अगर किसी की खांसी ठीक नहीं हो रही हो और उसे लंबे समय से खांसी की प्रॉब्लम हो तो इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, खांसी से अलावा जुकाम और गले दर्द को भी कुछ आराम पहुंचाती है यह टेबलेट। दोस्तों, इस टेबलेट का प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों, अगर इस टेबलेट के डोज़ की बात करें तो सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हो और 10 साल से कम आयु वाले इस टेबलेट का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस टेबलेट को लेने के बाद अगर उल्टी हो, शरीर में खारिश हो सकती है, आंखों में खारिश हो सकती है और इसके अलावा घबराहट हो सकती है, और अगर इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपके मन में इस टेबलेट से रिलेटेड कोई सवाल या शंका हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेडिसिन के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में और भी बहुत सी जानकारी लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।